इलाहाबाद पुलिस ने शहर विच रह के कानून की पढ़ाई कर रहे दलित विद्यार्थी की कुट कुट के हत्या किए जाने के मामले का खुलासा करने का दावा किया, जिसके तहत पुलिस ने मुख्य दोषी विजय शंकर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। दोषी वारदात तो बाद ही फरार चल रहा है। जानकारी मुताबिक बीती शनिवार रात को एक रेस्तरां के बाहर मामूली जिही बहस तो बाद दोषी ने अपने दोस्तों नाल मिलकर दिलीप सरोज नां दे दलित विद्यार्थी के सिर ते लोहे की रोड मार के हमला कर दिया, जिस करके उसकी मौत हो गई। गिरफ्तार लड़का होर कोई नहीं, उस रेस्टोरेंट का वेटर है जिथे यह सनसनीखेज वारदात हुई सी। दूजे पास इस घटना को लैके वायरल हुई वीडियो विच बेहोश विद्यार्थी ते पत्थर अते लोहे की रोड नाल दोषी हमला करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस वालों इन तीनों दोषियों विचों एक की पहचान हो चुकी है अते अगे की कार्रवाई जारी है। 9 तारीख की रात को 11 बजे की यह घटना है, जिसमें दिलीप सरोज जो है उसके साथ मारपीट की गई थी। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। उसके बाद में उसी क्रम में जो है मुकदमा लिखा गया था 307-308 के तहत में, और तीन अज्ञात के विरुद्ध में उसी में जो है उसी क्रम में आज 10 बजे जो है उसमें दिलीप सरोज की मृत्यु हो गई। वो हॉस्पिटलाइज था, उसी में हम लोगों ने क्राइम ब्रांच को भी लगाया था। तो वीडियो जो हमारे को फुटेज मिली थी CCTV के, उसी के बेसिस पे हम लोगों ने लोगों को आइडेंटिफाई किया था। उसमें जो मुख्य अभियुक्त है, जो कि आपको ब्लैक ट्रैक सूट में दिख रहा है, उसका नाम विजय शंकर सिंह है। वो मूलतः सुल्तानपुर का रहने वाला है, अभी गाजीपुर में रेलवेज के अंदर पोस्टेड है। और उसमें एक जो ब्राउन जैकेट पहने हुए है वो अमित उपाध्याय है, जो कि कालिका होटल का मालिक है, जो कि बीच बचाव कर रहा था, जैसे कि आपने वीडियो फुटेज में देखा होगा। और उसके बाद में विजय शंकर के साथ में जो है दो साथी और थे, एक जो सीढ़ी पे बैठा हुआ था अधेड़ उम्र का, और एक जो ऑरेंज कलर की शर्ट पहना हुआ था। उन दोनों का आइडेंटिफिकेशन अब तक हम नहीं कर पाए हैं। मुख्य अभियुक्त के लिए हमने अपनी क्राइम ब्रांच को लगा रखा है, और संभवतः जैसी हमारी इनपुट है विद इन 24 आवर्स ही विल बी अरेस्टेड। For all updated news, please subscribe Ava News and ring the bell.